नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज के इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कानून को धता बता कर लोग जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना काल में जहां सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसे नियम अभी भी लागू हैं, इन नियमों को धता बता कर कुछ लोग हर्ष फायरिंग पर लगे हुए हैं। चौपट कानून व्यवस्था का ऐसा ही एक नज़ारा शुक्रवार की दोपहर ललितपुर जनपद की कोतवाली तालबहट क्षेत्र में उस समय देखने को मिला, जब एक युवक अपने घर के बाहर मोहल्ले में हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आया, जिससे मोहल्ले में दहशत का माहौल पैदा हो गया। कानून व्यवस्था से बेखौफ इस युवक ने मोहल्ले में काफ़ी देर तक हर्ष फायरिंग की, जिससे मोहल्ले के लोग डरे और सहमे रहे। इतना ही नहीं, यह युवक अपने परिवार के साथ बराबर मोहल्ले में हर्ष फायरिंग करता रहा और उसके परिजन उसका वीडियो बनाते रहे, जिसे बाद में फेसबुक पर भी अपलोड किया गया, जिन्हें आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। सूत्रों की माने तो यह युवक एक बार मोबाइल चोरी के जुर्म में जेल भी जा चुका है और यह जिस बंदूक से हर्ष फायरिंग कर रहा है, यह बंदूक उसके पिता की है और पिता का निधन एक वर्ष पूर्व हो चुका है। खबर यह भी है कि यह युवक गांजे का अवैध कारोबार भी करता है। यह व्यक्ति दबंग प्रवृत्ति का है, इसलिए मोहल्ले वाले इसकी गैरकानूनी हरकतों की शिकायत करने से भी डरते हैं। अब देखना यह है कि फेसबुक पर इसकी गैरकानूनी हरकतों की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। वैसे इस वीडियो के बारे में आशंका जताई जा रही है कि यह आज से 2-3 माह पूर्व बनाया गया था और बीते शुक्रवार को फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, जो पुलिस के लिए जांच का विषय हो सकता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।